आज के युग में ये देखने को मिलता है कि भाई भाई के ऊपर हावी है और भाई भाई को देख के भी प्रसन्न नहीं है। एक बहुत अच्छी कथा है, शिव के ही भक्त की ये कथा है। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई थोड़ा 10-5 साल ज्यादा बड़ा होगा तो इसलिए थोड़ा मालिकाना हक रखता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी उसकी पत्नी बड़े भाई की। छोटे भाई की पत्नी सीधी सादी थी और सीधा भी था, छोटा भाई भी सीधा ही था, लेकिन बड़ा भाई बड़ा तेज था। मां बाप दोनों थे नहीं, मां बाप दोनों जा चुके थे, दोनों पधार गए थे। तो अब एक समय विवाह के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का समय दिखता है कि नहीं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो जितना भी खेत क्यार था सब बड़े के ही अंडर था, घर मकान भी उसी के अंडर, एक कमरा उसको दे रखा था पूरे घर में। तो एक दिन छोटे भाई ने कहा कि भैया अब परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है तो जो हमारा हिस्सा हो वो हमको दे दो, हम अपनी परिवार को फैमिली को चलाएं। बड़े भाई ने कहा तेरा हिस्सा, तू कब से हिस्सेदार हो गया, इतना मेहनत हम करते हैं, इतना हम संभालते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं तब जाके सब इकट्ठा हुआ है, तुम हिस्से की बात करते हो, हमसे कोई हिस्सा नहीं। छोटे भाई ने कहा भैया देखो आप सब सब करते हो, आप ज्यादा रख लो, थोड़ा सा तो दे दो जिससे हम अपना परिवार संभाल। बोले कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जो करना है अपने बल पे करो, यहां से कुछ नहीं मिलना। हालांकि वो पैतृक संपत्ति थी और पैतृक संपत्ति में सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन बड़े भाई की नियत में खोट था इसलिए उसने मना कर दिया। अब वो छोटा भाई बेचारा जैसे तैसे कहां से अपना जीवन चलाए, पर फिर भी कभी किसी के खेत में काम करके आता, कभी किसी के खेत में काम करके आता। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी। घर में सत्संगी लोग जरूर होने चाहिए। व्यक्ति अगर सत्संगी होगा ना, सही माने में सत्संगी, दिखावटी सत्संगी नहीं, सही माने में, सही माने में अगर सत्संगी होगा व्यक्ति तो अपनी आंखों से बुरा नहीं देखेगा वो किसी का, चाहे अपना ही कोई व्यक्ति बुरा करे। उसकी पत्नी सत्संगी थी, उसकी पत्नी बोली पति से ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इससे भूत बावन भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे इससे, तुम जानते नहीं हो भाई का धन खाकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अगर तुम भाई का धन खा भी लोगे ना तो अगले जन्म में तुम्हें बैल बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने भाई का कोई हक मत खाओ, दे दो। अरे ज्यादा नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो दो, कम से कम है तो तुम्हारा भाई, क्यों इसको दुख दे रहे हो तुम। तो आप तो जानते हैं जो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं उन्हें धर्म के पथ पर चलने वाले लोग भी पसंद नहीं है, तो वो कहते ज्यादा वादा शिव भक्त बनती है तू, अपना तेरा दिमाग खराब हो गया सत्संग में जा जाके, पागल हो गई है तू, कितनी मेहनत से हमने ये खेत बनाया है, कितनी मेहनत से हमने ये सब इकट्ठा किया है और तू कहती है भाई का खा के हम बैल बनेंगे अगले जन्म में। अरे ये जन्म तो ढंग से कट जाए, अगला जन्म किसने देखा है। हमको तो लगता है कि तुम सत्संग में जा जाके तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। अच्छा ये बात आपको भी सुनने को मिलती होंगी कभी कभी है, जब आप कहो ए सुनते हो सावन का महीना चल रहा है, हमें भी वृंदावन जाना है, हम भी पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आप पुरुष होके भी कहो तो घर वाले या परिवार वाले या रिश्तेदार या पड़ोसी अड़ोसी खड़ोसी, जिनसे खड़ोसी मतलब जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है,
न तीन में न तेरे में, जो आसे इत्थे नहीं पासे उत्थे नहीं कुछ नहीं। वो भी क्या तुम रोज रोज वृंदावन चल देते हो? क्या है वृंदावन में क्या रखा है? वो क्या रखा है? वृंदावन में हमारा बाप रहता है, हम इसलिए जाते हैं। कौन रहता है वृंदावन में? कौन रहता है? हमारा बाप रहता है। अब कृष्ण जी तो हमारे बाप ही है, तुम्हें भी माता आप रोज बोलते हो, चपिता तुम्हें रोज बोलते हो। अच्छा आप इस चक्कर में होगे कि मैं आपको कह दूं कि मैं आपका बाप हूं है? हाँ मुझे पता है, बहुत सेल्फिश लोग बैठे हैं। फिर तुम हिस्सा मांगोगे हमसे है? पहले बेटा बनोगे फिर हिस्सा मांगोगे, इसलिए हम वो चक्कर में पड़ने नहीं देंगे ना तुम्हें। हम पे है का जो हिस्सा मांगेगो, ले ले जो कछु है सो सब तुम आओ का राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। कहां थे हम? हमारा बाप रहता है इसलिए हम वृंदावन आते हैं। और अपने पिता के साथ और मां के साथ तो हमेशा रहना चाहिए, इसलिए जाते हैं। लेकिन उन अच्छा वो भक्ति नहीं करते इसलिए उनको आपके आने से तकलीफ है। जो सत्संगी होते उनका आनंद अलग है, जो सत्संगी नहीं होते उनका दुख उनकी सुख और कुछ चीजें अलग है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे तुम अपने भाई के साथ, ये काम ठीक नहीं। और उसके पति ने डांट दिया, ज्यादा ज्ञानी मत बन, अपने काम से काम रख, तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। समझ रही है कि नहीं समझ रही? मत मानो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ऐसा कहा उसने। उसका जो भाई था वो इधर उधर खेतों में काम करता था, दूसरों के जाया करता था, और इसके भाई को भी लोगों के काम की जरूरत पड़ती थी कि काम आके करें खेती में। तो इसके भाई को भी दया आई कि छोटे को क्यों ना मैं अपने भाई के ही खेत में काम कर लूं, जो कुछ दे देंगे दे देंगे इधर उधर जाने से। भैया अगर आप कहो तो मैं आप ही के खेत में काम कर लिया करूं, उसी में से कुछ दे देना। इसको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये काम भी करेगा और पैसा भी कम दे देंगे इसे। हाँ तुम हमारे यहां काम किया करो और तुमको हम पैसा दे देंगे। तो वो अपने भाई के यहां काम करने लगा। और देखो भाई कितना अच्छा था छोटे वाला, वो कई कई घंटे काम करता था। वैसे झाड़ी का काम होता है 8 घंटे, वो 12 घंटे काम करता था। काय को? मेरे भाई का ही तो है। लेकिन बड़ा भाई इतना निकम्मा, औरों को 100 रुपए देता था तो इसको 60 ही देता। और जो आते थे वो कहते थे एक दिन में 60 रुपए 100 रुपए लेंगे, ये अपने भाई को 60 ही देता। लेकिन छोटा भाई कहता कोई नहीं, जो शिव चाहे सो हो, ठीक जो शिव चाहे सो। उसकी पत्नी उसे डांटती रहती, तुम ये अनर्थ मत करो, तुम ये अनर्थ मत करो, मैं बता रही हूं तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वो नहीं मानता था। जो व्यक्ति धन के लोभ में लालची हो जाता है वो किसी की अच्छी बातों को नहीं मानता, कभी नहीं मानता। हमारे गांवन में कहावत है, पंचन की बात बात सिरमाते पनारो मेरो नहीं रहो। पनारो समझते हो किसको कहते? पनारो किसको? आजकल पनारे खूब बह रहे हैं, छत पे लगते पनारे, और पनारे बारिश में चुचाते हैं, जीवन भर कभी काम नहीं आते पूरी साल, लेकिन जब बारिश आती है तब वो काम आते हैं। छत का सारा पानी उस पनारे के माध्यम से बह जाता है। तो हमारे गांव में ब्रज में कहावत है, पंचन की बात शर्माते पनारो मेरो नहीं रहो। लालची आदमी ऐसा ही होता, तुम्हें जो कहना कह लो मैं तो ऐसा ही रहने वाला हूं। खूब पत्नी ने समझाया, वो नहीं समझा। और देखो संयोग से उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, कोई बच्चा नहीं। छोटे को शिवजी पे भरोसा था, बड़े को नहीं था। संयोग हुआ एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई, बड़े की मर गया।
कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी मर गई। हालांकि जब तक पत्नी रही खूब सेवा देवर ने करी, अब वो सारा धन उसी का हो गया, खेत भी उसी का, मकान भी उसी का, क्योंकि बच्चे कोई थे ही नहीं। वो अपने भाभी और भैया को बड़ा याद करता था, इतना अच्छा था, बहुत याद करता, वो कभी नहीं शिकायत नहीं करता बहुत बुरे थे हमसे ऐसा व्यवहार ना, उसे कोई मतलब नहीं, बड़ा सरल आदमी। देखो हम यहां एक और बात सिखा दें आपको, सीख लो, जो हमारे साथ कोई बुरा करे ना तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, तुम उसका बुरा भगवान पे छोड़ दो। एक बात सीख लेना, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम उसका उतना बुरा नहीं कर सकते जितना भगवान कर सकता है। तुम्हारी पावर कितनी है, कर क्या लोगे तुम, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तो कहता हूं तुम बद्दुआ भी मत देना, और उसका जो परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब देर से देता है ना तो मैं ब्याज के देता है, और तुम भी अगर किसी का बुरा कर रहे हो तुम्हें भी वही मिलेगा, यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, विद ब्याज के। भगवान की चाकी चलती धीरे है लेकिन पीसती चकाचक बारीक वाला है, अच्छा खासा पीसती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा बुरा करे तो भगवान से कहना, प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम, हमने तो सह लिया, हम तो यही समझ के सह लेंगे कि हमारे कर्मों का ही फल है। ऐसा अब उसने छोटे ने, देखो ये हुआ क्या, इसका बड़ा भाई जो बात मानता नहीं था, जो बात मानता नहीं था वो वाकई मरने के बाद बैल बना किसी और किसान के यहां, वो बैल बना। और इसकी जो पत्नी मरी थी वो किसी राजा के यहां राजकुमारी हुई, राजकुमारी हुई। बड़े गजब की बात है, कथा को ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि अब खेत बड़ा है तो हमें एक बैल चाहिए, बैल लाना चाहिए, बैल, तभी तो खेत जोतेंगे, तभी तो खेत बोएंगे। वो बैल लेने के लिए वहीं गया जहां पर वो बड़ा भाई आया था, है? तो पूछा, भैया ये बैल बेच रहे? बोले हाँ बेच रहे हैं। कितने का है? बोले कि देख लो, देख दाख के ठीक ठाक दाम दे दो। बोले ठीक है दे दो, ले 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 आया, ले आया। लेकिन पिछले जन्म में भी माल चोर तो था ही, दूसरे का धन खाने वाला था, इस जन्म में भी आलसी था। अब इसे क्या पता ये खेत मेरा है, इसे क्या पता ये भाई मेरा है, नहीं, ये खेत में जोतने के लिए बैल को अपना छोटा भाई लेके जाता, दो चार राउंड लगाता और झट फैल जाता वहीं खेत में, वहीं फैल जाता। वो आलसी आदमी ऐसे होते, एक बार ऊपर से नीचे कोई आ जाए और झट पाम फैला के एसी चला के, क्या हुआ? बोले थक गए महाराज, अब नहीं। बच्चों से कहो जाओ ए बेटा तुम खाना खा लो ढंग से, बच्चे खाना खाते खाते थक जाते, ओ अब नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है आलस्य की। याद रखे, जो मनुष्य जितना आलसी होगा उतना ही दुख पाएगा जीवन भर। अब ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, इस जन्म में भी ऐसा ही, चार पांच राउंड लगाता है और फिर फैल जाता है। अच्छा, कभी कभी इसमें डंडे भी पड़ते हैं, डराते हैं ना घर में चलने वाले को, मार पड़ती है, इसमें मार भी पड़ती, फिर भी नहीं चलता, आलसी है, मार खा लूंगा चलूंगा नहीं, खेत नहीं जोतूंगा, बहुत आलसी। पत्नी ने कहा कि कैसा बैल ले आए हो, चलता नहीं, खाता खूब है, काम नहीं करता है। बोले हाँ आजकल ऐसे ही लोग रह गए, खाते खूब है, काम नहीं करते, और आजकल तो और भी नई जनरेशन तो बड़ी अच्छी है, ना खाती है ना काम करती है, खाना भी नहीं खाया जाता उनसे, नई जनरेशन और भी अच्छी है।
और आजकल तो बैल का काम ही नहीं रहा। अब देखो वो ऐसा ही था, लेकिन वो उसी से काम चला रहा था। एक दिन बड़ा विचित्र संयोग बना मेरे प्यारे, बहुत गजब का संयोग। उस राजकुमारी का विवाह हुआ और वो विदा होके राजकुमार के साथ जा रही थी। जब वो विदा होके जा रही थी तो उस राजकुमारी की नजर पड़ी उस बैल पे जो पसरा पड़ा है, फैला पड़ा है खेत में। उसे याद आ गया कि ये तो मेरे ही खेत थे पिछले जन्म में, और ये जो बैल है ये तो मेरा पति है। याद आया कि ये तो मेरा छोटा देवर है। अच्छा, जो भजनानंदी लोग होते हैं ना, जिनों के सुकृत अच्छे होते हैं, उन्हें कई बार कई जन्मों के पुण्य याद होते हैं। आप भागवत में जाएंगे तो भागवत में आपको मिलेगा कि वो भरत जी महाराज को 3 जन्मों को याद थे ना, उन्हें याद था पिछले जन्म याद थे। तो जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, कई बार कर्म अनुसार उनका जन्म होता है, लेकिन उनके ऊपर कृपा भी भगवान की होती है कि उन्हें अपने जन्म याद होते हैं, कहां कौन सी गलती हुई ये पता होता है। गए, पालकी वहां के जा रही थी, देखा वो बैल लेटा पड़ा है आलस में, उसका भाई सामने बैठा है पेड़ के नीचे। कहार पालकी लेके जा रहे थे, कहार पालकी लेके जब जा रहे थे तो रानी राजकुमारी ने कहा कि रोको पालकी, रोको थोड़ी देर, उतारो यह पालकी। राजकुमार बोले क्या हुआ? रुको ना, हमको इस बैल से काम है, हमको इस बैल से काम है। अरे तुम क्या जानो इस बैल को? बोले हमें काम है, अभी गए और आए। राजकुमारी उस बैल के पास में गई और बैल के वो पसरा पड़ा था वहां, फैला पड़ा है महाराज इधर उधर खा पी के। तो राजकुमारी ने उसके कान में जाके कहा कुछ? क्या? बोले पिछले जन्म में भी तुम्हारी नीयत खराब थी और इस जन्म में भी तुम्हारी नीयत खराब है। पिछले जन्म का किया हुआ तुम भोग रहे हो कि इस जन्म में बैल बने, और इस जन्म में भी तुम अपने भाई का खा रहे हो। अगर तुमने इस जन्म में काम ढंग से नहीं किया तो अगले जन्म में फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही तुमको बनना पड़ेगा। अरे समझदार वो होता है जो अपनी गलती करके कुछ सबक लेता है। तुम गलती पे गलती कर रहे हो, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में समझाया था कि तुम ये अपराध मत करो, तुम ये त्रुटि मत करो, अपने भाई का हक मत खाओ, नहीं तो तुम्हें बैल बनना पड़ेगा। और आज तुम बैल बने, बने कि नहीं, तुम बैल बने कि नहीं, और अभी भी खाए जा रहे हो और पसरे जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, अगले जन्म में फिर कुछ बनोगे ऐसे ही। हो सकता है अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बनना पड़े, एक एक टूक के पीछे तुम्हें डंडे खाने पड़े। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, और जितने प्यार से ये रख रहा है उसका काम करो ईमानदारी से। शायद भगवान तुम पर कृपा करे, महादेव तुम पर कृपा करे। महाराज बैल को ये बात झटाक से समझ में आ गई और वो खड़ा हो गया और काम करने लगा। वो जो भाई था वो सोच रहा था ये स्त्री कौन है, इसने मेरे बैल के कान में क्या कह दिया, ये खड़ी के मेरा बैल खड़ा कैसे हो गया। वो दौड़ के भाग के गया, जी सुनिए, कहिए आप कौन है? तुम नहीं जानते मुझे। वो जी मैं जानना भी नहीं चाहता, पर ये बताइए कि इसके कान में क्या कह दिया, ये तो हमारा बैल नंबर 1 आलसी है, पसरा ही रहता है, खाता भी ठीक ठाक ही है, डंडे भी खा के नहीं चलता, आज आपने इसके कान में क्या कह दिया? तुरंत फौरन खड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम पहचान रहे हैं, हम पिछले जन्म में तुम्हारी भाभी थे
और ये हमारा पति है, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे साथ इसने बुरा किया, इसलिए इस जन्म ये बैल बना। मुझे पिछला जन्म याद रहा, मैंने इसे पहचान लिया। अपने देवर से कह के गई, मैं तो जा रही हूं पर एक बात कहूं, थोड़ा ध्यान रखना इनका। देवियां बड़ी अच्छी होती हैं, अपने पति के बारे में शुभ सोचती, भला सोचती, ध्यान रखना। बैल तो है पर है तो तुम्हारा पिछले जन्म का भाई। और वो ऐसा कहकर चली गई। अब बेचारे को हल में लगाने में तकलीफ हो, उसे मेरा बड़ा भाई है। अब तो जो सांटा वांटा रखता था ना मारने के लिए, वो भी अलग रख दिया, नहीं भैया बड़ा भाई है। लेकिन अब बड़े भाई को किसी और चीज की जरूरत नहीं होती थी, अब वो ईमानदारी से मेहनत करता था, रात दिन मेहनत करता था और अपने इसी जन्म में सभी पापों से मुक्त हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, मनुष्य जीवन अगर मिला है तो किसी के साथ बुरा मत करो, फरेब मत करो, धोखा मत करो, और भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। जो महादेव के भक्त होते हैं, महादेव उनका न्याय उनके साथ अवश्य करते हैं। किया कि नहीं, इस कथा में न्याय हुआ कि नहीं,